गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल बेबोस किचन स्टूडियो। कैसे हो आप सभी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मॉर्निंग के 9:30 हो रहे हैं। मैं जस्ट ब्रेकफास्ट की प्रेपरेशन करने वाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज ही अपने ब्रेकफास्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये जो ब्रेकफास्ट रेसिपी है ना मेरी, ये बहुत ही ज्यादा खाने में टेस्टी है, बनाने में बहुत ही ज्यादा इजी है और बहुत ही ज्यादा कम टाइम में बनती है, और इसके साथ साथ ना ये हेल्दी भी है। तो आप मेरी वीडियो के साथ ना एंड तक बने रहना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ बेसन वाली ब्रेड। इसको ब्रेड पकोड़ा भी बोलते हैं, बट जैसे ही पकोड़े का नाम मुंह में आता है तो मुंह में पानी आ जाता है कि ये डीप फ्राइड पकोड़ा सुन के। बट नहीं, आज मैं डीप फ्राइड पकोड़ा नहीं बना रही हूँ, इसको मैं हेल्दी वे में बना रही हूँ, बहुत ही कम ऑयल में, और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी बनते हैं। ब्रेड पकोड़ा के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये एक मीडियम साइज का प्याज लिया है मैंने, जिसको मैंने ना बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और ये थोड़ी सी धनिया, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स होती है ना, ये मैंने ली है, और इसके साथ ही ये दो मीडियम साइज की हरी मिर्च है जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। पकौड़ास बन रहे हैं और इसके लिए बेसन तो सबसे ज्यादा जरूरी है इंग्रेडिएंट, तो ये मैंने बेसन लिया है। तो अभी एक ये मिक्सिंग बाउल मैं ले लूंगी, इसमें मैं बेसन ऐड करूंगी। ये देखिए, मैं तो जैसे ना ऐसे ले लेती हूँ कि जैसे मुझे आइडिया सा होता है कि इतना लेना है। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये 1 कप होएगा, जो छोटा वाला कप रहता है ना, मीडियम साइज का जो होता है। अब ये बेसन में ना ये जो प्याज और धनिया और ये हरी मिर्च जो मैंने कट की हुई है, इन सभी को मैं मिक्स कर दूंगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं इस रेसिपी के लिए, और ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं कि घर पर हमेशा अवेलेबल होते ही हैं, तो आप इसको कभी भी बना सकते। अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगी मसाले। मेक श्योर कर लें कि हरी मिर्च पहले डाली हुई है, तो लाल मिर्च कम ही डालिए। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप डालिए, अदरवाइज नहीं तो फिर ये बहुत ही ज्यादा स्पाइसी हो जाएगी। और ये धनिया पाउडर, ये मैं थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में यूज करती हूँ, और ये थोड़ा सा अमचूर पाउडर, सॉल्ट, मैं थोड़ा सा इसके साथ ना रॉक सॉल्ट भी डालूंगी, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। और ये थोड़ा सा अनारदाना पाउडर, इसको डाल दूंगी। और हाँ, अजवाइन डालना मत भूलना, अजवाइन से ना बहुत ही ज्यादा ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। पानी डालकर ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसकी कंसिस्टेंसी ना आपने थोड़ी थिक ही रखनी है, मींस ज्यादा थिक भी ना हो। अगर आप थोड़ी सी थिक रखोगे ना तो ये ब्रेड के साथ चिपक जाएगा, और ब्रेड के साथ ये बेसन का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, एकदम से ना डालिए पानी। ये देखिए, बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है, फ्रेश धनिया की, बेसन की। और आप ये भी मेक श्योर कर लें कि इसमें आप ना ल्यूक वार्म वाटर डालें, जिससे कि बेसन में ना लम्प्स नहीं बनेंगे। नहीं तो अगर आप एकदम से ठंडा पानी डाल दोगे तो बेसन में जैसे ही ऐड करोगे ना पानी को, तो वो लम्प्स से बन जाते हैं। तो मैं तो ना मेक श्योर कर लेती हूँ कि थोड़ा सा पानी ल्यूक वार्म हो। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसी कंसिस्टेंसी रखनी है। ये देखिए, ये मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी बस। इसमें ना फ्रेंड्स मैं ये थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी, रेड चिली फ्लेक्स, जिससे कि फ्लेवर ना बहुत ही ज्यादा
एनहेंस होके आएगा और इसके साथ ही थोड़ी सी ओरिगैनो भी डाल दूंगी मैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, अदरवाइज आप जो बेसिक मसाले रहते हैं ना वो भी डाल सकते हो। और हाँ, अगर आपको ना इसका कलर थोड़ा सा येलो चाहिए तो आप इसमें ना हल्दी भी ऐड कर सकते हो, थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी, हल्दी पाउडर जो रहता है उससे इसका कलर थोड़ा सा येलो हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ना नॉन स्टिक पैन लिया है जिसको मैंने प्री हीट कर लिया है, तो इसमें मैं अब ऑयल लगा दूंगी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो भी यूज करते हो वो यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ देसी घी। अच्छे से इसको ना मैं ग्रीस कर लूंगी। अगर आप ब्रश की हेल्प से ऑयल लगाते हो तो काफी कम क्वांटिटी में यूज होता है। मैंने ब्राउन ब्रेड यूज की है, आप कोई सी भी ब्रेड यूज कर सकते हो, जो आपको पसंद हो आप वही ब्रेड यूज कीजिए। ये मैंने एक ब्रेड स्लाइस ले लिया है, ये जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है ना इसमें इसको मैं डिप कर दूंगी। ये देखिए, ऐसे करके आपने ना इसको डिप कर देना है इस मिक्सचर में। और इसको आपने थोड़ा स्लोली पकड़ के केयरफुली इसमें डाल देना पैन में। जब ये एक साइड से पक जाएगी ना तो अपने आप अलग होने लग जाएगी पैन से, तब तक आपने इसको ना हिलाना नहीं है। ये देखिए, अब जैसे ये मेरी पक चुकी है ना एक साइड से, अब मैं इसको फ्लिप कर दूंगी। आपने फ्लेम को ना बिल्कुल मीडियम पर रखना है ताकि जो बेसन है वो अच्छे से पक जाए। इसके ऊपर आप ऐसे ऑयल लगा सकते हो। मेरे कहने पर ना आप एक बार फ्रेंड्स इसको देसी घी में बनाकर देखना, बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। अब मैं इसको पलट दूंगी। बस ऐसे आपने थोड़ा थोड़ा ऑयली लगाना है। और आप मेरी इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो, अपने स्नैक में भी बना सकते हो, इवनिंग स्नैक में। बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये रेसिपी है मेरी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने ट्राई की कि नहीं की। बस थोड़ी पेशेंस के साथ ना इसको आपने अच्छे से दोनों साइड से पका लेना है ताकि बेसन का जो कच्चा सा फ्लेवर होता है ना वो ना आए।